अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है टोयोटा पासो 2015 XL पैकेज वेरिएंट। काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट कार रिव्यूज। स्पेशल थैंक्स टू बॉ मोटर्स इस्लामाबाद फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। आई वुड लीव द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द कार, ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है। कमिंग टूवर्ड्स द हेडलैम्प्स, मल्टी रिफ्लेक्टिंग हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं विद मैनुअल लेवलिंग फंक्शन। एक्सएल वेरिएंट के अंदर प्री इंस्टॉल्ड फॉग लैम्प्स नहीं दी गई। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द साइड ऑफ द कार, 14 इंचेस के स्टील रिम्स दिए गए हैं विद फुल व्हील कैप्स और फ्रंट टायर्स में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स का इस्तेमाल किया गया है। बॉडी कलर्ड साइड मिरर्स दिए गए हैं जो कि इलेक्ट्रिकली रिट्रेक्टेबल एंड एडजस्टेबल हैं। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और फ्रंट डोर जो हैं वो स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आते हैं। बैक टायर्स के अंदर ड्रम ब्रेक्स का इस्तेमाल किया गया है। सो नाउ लेट्स चेक द बैक ऑफ द कार। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, रूफ पे एंटीना दिया गया है, हाई माउंट एलईडी ब्रेक लैंप है, रियर डिफॉगर है इन द रियर स्क्रीन। नीचे की तरफ आए तो रियर वाइपर दिया गया है। कमिंग टूवर्ड्स द टेल लाइट्स, मल्टी रिफ्लेक्टिंग एलईडी टेल लाइट्स हैं। सो नाउ लेट्स चेक द इंटीरियर ऑफ द कार। गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री सिस्टम दिया गया है लेकिन पुश स्टार्ट नहीं दिया गया। ब्राउन एंड बेज का कॉम्बिनेशन दिया गया है फॉर द इंटीरियर एंड हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। कमिंग टूवर्ड्स द ड्राइवर डोर, तमाम पावर विंडोज दी गई हैं विद ड्राइवर विंडो फुली ऑटोमेटिक और उससे पीछे पावर विंडोज को कंट्रोल करने का स्विच है। फ्रंट डोर्स के अंदर बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं। हेडलाइट लेवलिंग एडजस्टर है, साइड मिरर्स को कंट्रोल करने के बटन्स और इको आइडल ऑफ करने का बटन है। ड्राइवर सीट 6-वे मैनुअली एडजस्टेबल है और एक्सएल वेरिएंट के अंदर सोफा सीट्स दी गई हैं और फ्रंट में बेंच सीट है विद आर्म रेस्ट एंड कंपार्टमेंट जो कि फोल्डेबल है। थ्री स्पोक यूरेथेन इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो कि टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द कार। गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात की जाए तो आरपीएम मीटर नहीं दिया गया, एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है जो कि गाड़ी की स्पीड इन किलोमीटर पर आवर बताता है। लेफ्ट साइड पे शिफ्ट पोजिशन इंडिकेटर, राइट साइड पे एलसीडी स्क्रीन है जो कि माइलेज, फ्यूल, टाइम जैसी इन्फो शो करती है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर इको ड्राइव इंडिकेटर लैंप भी दी गई है। 6 इंचेस का एंटरटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया गया है गाड़ी में जिसमें ब्लूटूथ, नेविगेशन एटसेट्रा जैसे फीचर्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का स्विच है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है, हैजर्ड लाइट का बटन, रियर डिफॉगर का बटन, मैनुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। राइट वाली साइड पे 12 वॉट्स का पावर सॉकेट दिया गया है एंड लेफ्ट वाली साइड पे शॉपिंग बैग हुक दिया गया है। ऊपर की तरफ आए तो ड्राइवर साइड सन वाइजर है विद वैनिटी मिरर एंड पासपोर्ट होल्डर, रियर व्यू मिरर है विद मैनुअल एंटी ग्लेयर फंक्शन, ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड रीडिंग लैंप्स,
Passenger side sun visor is also with vanity mirror and dash mein glove box diya gaya hai. So now let's check the back seats of the car. Back mein bhi sofa seats di gayi hain jo ke 60-40 ke split ke saath aati hain. Rear floor mein chota sa hump hai. Coming towards the door, tamam doors ke andar speakers diye gaye hain. Gaadi ka trunk manually open aur close hota hai. लगेज रूम काफी मुनासिब सा दिया गया है और लगेज रूम स्पेस को फर्दर इंक्रीज करने के लिए बैक सीट्स को फोल्ड भी किया जा सकता है। Finally talking about the engine specifications of the car, 1000cc का इनलाइन 3 सिलेंडर EFI इंजन दिया गया है जो कि मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करता है 51 किलोवाट्स का एट 6000 rpm एंड मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 92 न्यूटन मीटर्स का एट 4400 rpm. गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो एक्सेल वेरिएंट के अंदर काफ़ी मुनासिब सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जिनमें इमोबिलाइजर है, हिल असिस्ट कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है ब्रेक्स के अंदर विद ABS, ब्रेक असिस्ट एंड इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल. उसके अलावा गाड़ी में व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है एंड बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर के लिए SRS एयरबैग्स दिए गए हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऐसे रिव्यूज़. Kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for latest car reviews. Thank you.